Hey guys, this is Arjun here, and once again welcome back to my YouTube channel, Desi Vlogger. So guys, actually, मैं हूँ क्रैंगसुरी वाटरफॉल में, एंड लाइक आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा ये वाटरफॉल. मैंने उस वीडियो को वहीं तक ही एंड कर दिया था, एंड ये शुरुआत हो चुका है दूसरा एपिसोड का, जो कि अभी मैं जा रहा हूँ डाउकी रिवर. एंड हमें यहाँ से डाउकी कवर करने के लिए शायद और डेढ़ घंटा लगेगा. गूगल बाबा तो बता रहा है इट्स लाइक 28 किलोमीटर, मगर रास्ता का कंडीशन देखते, क्योंकि अभी तक जितना भी हमने ख़राब पैचेस मिला है वो बहुत ही ख़राब था, एंड अच्छा रास्ता बहुत ही अच्छा. तो यह लेट्स गो टूवर्ड्स डाउकी, एंड ये वीडियो बहुत ही रो आने वाला है, क्योंकि यार बताने से क्या फ़ायदा, चलो यार खुद ही चल के देख लेते. So guys, finally we have reached a Dawki, and it's 5 PM in the evening. Basically हम लोग यहाँ पे 4:30 को ही एंटर कर चुके थे Dawki, एंड लाइक अभी हम कैंपिंग की तरफ जा रहे हैं. ये देखिए स्लीपिंग बैग. तो अभी का सीन ये है कि हम लोग एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप में है, वहाँ पे हम लोग ने अपना डिनर ऑर्डर कर दिया है. डिनर हम पैकिंग करके यहाँ से ले जाएंगे और वहाँ पे जाके करेंगे. हम लोग के लिए अपना बाइक, यहाँ पे एक होटल है, गेस्ट हाउस, अलामिन गेस्ट हाउस बोल के, वहाँ पे हमने अपना बाइक को पार्क कर दिया है. यहाँ पे देखा जाए तो ये एक्चुअली प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो अलामिन गेस्ट हाउस है. तो हमने वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट किया, एंड लाइक उन्होंने पर डे का 100 रुपीज़ चार्ज किया है. तो यह 100 रुपीज़ देके अपना बाइक सेफ है, एरिया वाइज भी सेफ है जो अलामिन गेस्ट हाउस है. बाइक इधर उधर होने का कोई भी चांसेस नहीं, तो रिस्क नहीं लेना चाहते हम लोग, तो इसलिए हमने अच्छी जगह में ही बाइक को पार्क कर दिया है. तो अभी का जो सीन है, अभी आगे जो सीन होगा वो ये होगा, मेनली मोस्ट इम्पोर्टेंटली टेंट लगाने का. और सो गाइस, अभी हम लोग कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं. इट्स 6:10 इन द इवनिंग, एंड लाइक देखो यार डार्कनेस, रात हो चुकी है पूरा. और देखिए लाइट, मोबाइल का फ्लैश लाइट लगा के ब्लॉक करना पड़ रहा है. अभी हम जाएंगे आगे की ओर, हालांकि पूरा काला नज़र आ रहा है, मगर इस बोट के थ्रू हम जाएंगे, तो वहां पे कैंपिंग करके नाइट स्टे करेंगे. तो चलो मेरे साथ आप लोग. तो अभी हम बोटिंग कर रहे हैं डाउकी रिवर में, एंड एक टॉर्च लाइट विराट भाई ने वहाँ पर पकड़ा हुआ है, सिर्फ टॉर्च का ही वो दिखाई दे रहा है, एंड इसी से ही हम काम चला रहे हैं यहाँ पे. तो चलो दोस्तों, बन सकती ना हो आधे. गुड मॉर्निंग फ्रॉम Dawki, एंड देखो यार सुबह का जो व्यू है, ओह माय गॉड. सो हमने जो रात बिताया था वो था इस टेंट पर. ओह माय गॉड, विराट भाई कुछ कह दो यार, कुछ कहो, आपको कैसा लग रहा है? ये करने तो आए हैं हम लोग वहाँ पे ब्रिज, एंड हम कल रात वहाँ से आए थे, एंड यहाँ है हमारा बोट. तो बेसिकली दिस इज Dawki रिवर, एंड लाइक यहाँ पे इन्होंने सेटअप भी कर रखा है टेंट के लिए. अगर और जितने भी यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए आते हैं उनके लिए स्पेस बना के रखा है.
तो कल रात तो सिर्फ हम दो भाई थे, है ही नहीं विराट, दो भाई ने कैसे मैनेज किया वो तो हमें ही पता है। एंड यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी फिलहाल, एक गाइड है हमारे साथ, वो उस टेंट पर है। तो फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको फ्रेश होने के बाद। अभी तो जस्ट जैसे ही उठा था ऐसे ही वीडियो लेने का मन किया। तो गाइस जो हमारा गाइड है वो है ये, आपका नाम भैया चार्लेस एंड लाइक बेसिकली ये यहीं के एंड इनके ही बोट में हम कल रात को यहाँ पे आए थे। लाइक ये भैया हमारे साथ ही ठहरे रुके हुए हैं उस टेंट पर। और भैया बताइए क्या बताया, हम तो कैंपिंग करने वाला है यहाँ में, आदमी मिलेगा तो हम कैंपिंग करता है, आदमी नहीं मिलने से तो हम नहीं आता है यहाँ पर। अगर आदमी आने से तो मेरा यहाँ तो हम डेली आते रहता है कैंपिंग करता है, अगर आदमी मेरा आने से। अभी कमती ही मेरा आदमी तो यूजुअली यहाँ पे मतलब कैंपिंग तो होते रहता है। और इसलिए ये स्पेस भी दे रखा है एकदम बढ़िया से स्पेस, प्लस व्यू भी आपको अच्छा मिलेगा। तो गाइस अगर आपको यहाँ पे आके कैंपिंग करना है, लाइक इंक्वायरी करना है, तो मैंने इनका नंबर जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके जरूर चेक करना एंड एक बार कॉल कर देना अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं विद कैंपिंग के साथ, तो कैंपिंग करना चाहते हैं तो। सो यही है एंड ये हमारा टेंट का सेटअप एंड ओवरऑल दिस इज अ डाउकी रिवर, जहाँ पे सपना था मेरा, मतलब पिछले बार भी मैं आया था तो तब सोचा था कि भाई एक बार तो शायद यहाँ पे कैंपिंग बनता है। उसके बाद ये जनाब है जिसने और मतलब चेक दिया एंड अब हम यहाँ पे हैं। तो बहुत ही यार मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके सुबह सुबह। देखिए हम मतलब इतना एक्साइटमेंट में ना सुबह ही उठ गए थे 5 बजे को एंड अभी बज रहा है 6 एंड एक बार हमने टेंट को देखिए किस तरीके से मतलब रखा हुआ है एकदम पत्थर के साथ, ताकि और भी मजबूत हो बोलते बहुत साइड, क्योंकि यार हवा बहुत ही तेज़ है। जब हम लोग पहुँचे थे तब हवा नहीं था, मगर रात से ऐसा हवा स्टार्ट हुआ ना बॉस, क्या बोले अभी तक हवा ही चल रहा है बहुत ही तेज एंड ठंडा तो बात ही मत कर। फिशिंग लोग करते हैं ये बोट को पकड़ के ना, हाँ यहाँ ही फिशिंग करता है ये। अच्छा, ओह माय गॉड, ऊपर देखो यार, हाय मतलब क्या बोलो, देखिए ऊपर सीधा रॉक है ऊपर एंड नीचे है पानी, सामने है वीरा, देखो बोट है, ये देखो बोट नीचे में, बोट नीचे में, ये बोट, ओ ये बांग्लादेश का बोट है, चोरी करने आता है रात में यहाँ में, पूरा डूब गया बोट रात में।
ये बांग्लादेश का बोट है क्या? बहुत लंबा बोट है। कैसे डूब गया फिर ये? ये पत्थर लेके आता है ना, चूड़ी पत्थर है पत्थर, हम रात में भगा देता है। सीधा नीचे जो दिखाई दे रहा है वो बोट है, एंड यहाँ पे जो अपने साथ गाइड है ये बोल रहा है कि ये बेसिकली बांग्लादेश का बोट है, रात रात को यहाँ पे चोरी करने के लिए आता है। कभी कभी आता है, दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए बोट। We are about to leave Dawki River, and ये बड़ा पत्थर जो दिखाई दे रहा है वहाँ से उस तरफ पूरा बांग्लादेश, और यहाँ पे लिखा भी है डू नॉट क्रॉस द बॉर्डर इंडिया बोल के, जो साइन बोर्ड है वहाँ से उस तरफ बांग्लादेश एंड यहाँ पे इंडिया। सो लेट्स गो, एंड हियर इज द लाइफ जैकेट। सो गाइस अभी हम डाउकी बाजार में हैं, एंड लाइक सामान को गाड़ी में लोड कर दिया है, एंड हम अभी दास होटल में जो कि हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, पूरी एंड सब्जी। तो ब्रेकफास्ट करके हम चेरापुंजी की ओर निकलेंगे। अभी हम डाउकी से तो निकल चुके हैं, एंड लाइक वी आर ऑन द वे टू चेरापुंजी। और देखो यार, मतलब क्या बोले, हम रुक रुक के आ रहे हैं, और रुक रुक के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यार आप ये चीज़ आपको छोड़ने का दिल नहीं करेगा। सन कहाँ से आ रखा है? उस तरफ से, शायद इधर अंधेरा होगा, तो या ये एंगल से आप देखिए। ऑसम, वाओ मैन, वाओ विराट भाई, विराट भाई तो एकदम डूब चुके हैं इस नेचर पे, क्योंकि यार रास्ता का इस पार भी देखो बढ़िया व्यू, एंड उस पार तो और भी बढ़िया। तो रोकना तो बनता है, फोटोग्राफी भी बनता है, तो यही चीज़ चल रहा है दो भाई का पिछले दो घंटे से। तो चलो यार फिर आगे की ओर बढ़ते, हमें जल्दी से ही पहुंचना है चेरापुंजी, एंड लाइक इट्स 9:40 इन द मॉर्निंग। डेस्टिनेशन, एंड ये है हमारा होटल रूम जहाँ पे हमने बुक किया है। मैं ये वीडियो भी यहीं पे एंड करना चाहता हूँ, एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।